नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज द कैपलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इज इमर्ज इन वाटर एंड वाटर राइजेज टू हाइट एच द मास ऑफ द वाटर इन द कैपलरी इज फाइव ग्राम अंदर द कैपलरी ट्यूब ऑफ रेडियस टू आर इज इमर्ज इन वाटर मास ऑफ वाटर दिल्प विल राइज इन द ट्यूब इज नाउ ये आपका uh, कुछ अच्छे स्टूडेंट ही इसको कर पाएंगे जिन्होंने सर्फेस टेंशन बहुत अच्छे से पढ़ा है मैं आपको एक बार इसको कॉन्सेप्ट एक बार फिर याद दिलाता हूँ ये आपका ट्यूब आपकी कैपलरी है जिसको आपने वाटर uh, में वो कर दिया है और आपका पानी ऐसे करके यहाँ पे ऐसे राइज़ हो गया है ये आपका वाटर यहाँ पे आ गया सो so, इस केस में जितना मास इसका जो ऊपर पानी जो ऊपर आया है उसको सरफेस uh, टेंशन के जो फोर्सेज हैं वो बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर जो मास राइज हुआ है आपका जो ऑलिट right, इसको ऐसे लिखते हैं जो आपका एम आएगा इसका एम उसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच ये आपका वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी जी तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी मास की ठीक तो इतना मास यहाँ पे आपका राइज किया ना इस केस में अगर हम यहाँ पे एच की जो वैल्यू आती है जितना हाइट ये राइज किया है अपना उस एच की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो आपका जो एम आया एम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच मल्टीप्लाइड बाय रो एच की जो वैल्यू होती है सरफेस टेंशन में हमने पढ़ा है हाइट उसको हम लिखते हैं टू पाई टी कॉस सीटा डिवाइडेड आर जी ना इसको हम इससे हम इसको डिराइव करते हैं सरफे टेंशन बैलेंस करके बट हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सो so, आपका जो एम आएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच की जगह हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं टू पाई टी कॉस थीटा रो डिवाइडेड बाय आर जी तो एक आर कैंसिल हो जाएगा विच एम्प्लाइज मास इज़ आपका डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आर तो जितना आपका कैपलरी ट्यूब है जितना उसका ज़्यादा रेडियस है मास उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा। तो अगर आपकी आर में आ, आर ट्यूब अगर रेडियस है इफ़ रेडियस इज़ आर तो मास अगर आपका एम है तो टू आर अगर रेडियस है तो मास टू एम हो जाएगा विच मीन्स यहाँ पे एम अपने को कितना पाँच ग्राम दे रखा है ना सो ये पाँच ग्राम था तो ये आपका दस ग्राम हो जाएगा ठीक है सो विच मीन 10 ग्राम uh, 10 ग्राम वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम